सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुसलमानों के लाउडस्पीकर पर अज़ान के मामले की लेटेस्ट जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कुछ ऐसे नए मोड़ हम सबके सामने आए हैं जिसे जानने के बाद आप सब लोग हैरान रह जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, अब कुछ दिनों से भारत देश में मुसलमानों की अज़ान को लेकर काफी ज्यादा परेशानियां चल रही है। भारत देश के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस का कहना है कि मुस्लिम लोगों को लाउडस्पीकर पर अज़ान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग गंदे पॉलिटिक्स खेल कर मुस्लिम लोगों की अजां को लाउडस्पीकर पर बैन करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। दोस्तों कोर्ट में अब ये फैसला चल रहा है कि मुस्लिम लोग मस्जिदों में अजां देने के लिए लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। लाउडस्पीकर पर अजां के इस मामले को लेकर कुछ बड़े पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े पॉलिटिशियंस मुस्लिम्स को लाउडस्पीकर पर अजां देने से नहीं रोकना चाहते हैं। भारत देश में कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों की अजां लाउडस्पीकर्स पर ही होना चाहिए। दोस्तों मुसलमानों के लाउडस्पीकर पर अजां के इस मामले को लेकर हाल ही में साउथ इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। सुपरस्टार रजनीकांत को जब पता चला कि कर्नाटका में महाराष्ट्र में मुस्लिम लोगों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से मना किया जा रहा है, तो रजनीकांत ने कहा कि पॉलिटिक्स को लेकर लोग काफी हद से पार हो रहे हैं। रजनीकांत ने उनके सभी चाहने वालों से कहा कि मुसलमानों की अजा हमेशा लाउडस्पीकर्स पर ही होती थी और होती है और हमेशा होती रहेगी। रजनीकांत का कहना है कि गंदे पॉलिटिक्स खेल कर लोग किसी भी धर्म को बीच में नहीं ला सकते हैं, और जब बात आती है अजा की तो अजा हमेशा लाउडस्पीकर्स पर ही होने वाली है। रजनीकांत का कहना है कि भारत देश में हम सबको हमेशा मिलकर भाई बहन की तरह रहना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। दोस्तों रजनीकांत ने उनके सभी चाहने वालों को एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी और कहा कि वो आने वाले समय में एक ऐसी जगह बनाने वाले हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई लोग साथ में मिलकर इबादत कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप सब लोगों का क्या कहना है रजनीकांत की इस बात को लेकर, आप सब लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना।